हाय फ्रेंड्स, भारत रसोई चैनल में अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं गेहूं की आटा की हलवा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट बन जाता है। तो गेहूं के आटे का हलवा बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं किन किन सामग्री का यूज कर रही हूँ, चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा शुद्ध 200 ग्राम गेहूं का आटा है। 200 ग्राम गुड़ लिए हैं फ्रेंड्स, ये पतंजलि का देसी गुड़ है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ली हूँ, मैं 2-3 पिस्ता बादाम ले ली हूँ, 2 काजू ली हूँ, 2 इलायची ले ली हूँ। इसी सामग्री से हमें बनाना है गेहूं की आटा का शुद्ध हलवा। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो गुड़ में 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। एक बॉल में गुड़ को ले लिए हैं और ईंधन को ऑन कर देंगे फ्रेंड्स। गुड़ को चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ मेल्ट करना है फ्रेंड्स। तो गुड़ को मेल्ट होने दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा गुड़ जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। चलिए गुड़ को उतार ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ईंधन पर एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में फ्रेंड्स इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो घी भी मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। आंच को धीमी रखेंगे और ये 200 ग्राम जो आटा लिए थे आटा को डाल देंगे घी में और आटा को अच्छे तरीके से भूनेंगे फ्रेंड्स धीमी आंच पर। ये कम से कम ये आटा भूनने में 7-8 मिनट लग जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि धीमी आंच पर भूनना है, तभी आपका हलवा जो है टेस्टी लगेगा आटा का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आटा को भून ले रहे हैं अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा आटा जो है अच्छे तरीके से भुना गया है फ्रेंड्स। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग डालेंगे ये जो गुड़ मेल्ट करके रखे थे फ्रेंड्स, इसे डाल देंगे आटा में। और ये गुड़ का चाशनी में आटा को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स और आँच को धीमी ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गुड़ का चाशनी में अच्छे तरीके से आटा को मिक्स कर चुके हैं और ये मेरा हलवा बनकर तैयार है। अब इसमें हम लोग शाइनिंग के लिए फ्रेंड्स 1 बड़े चम्मच घी डाल दे रहे हैं। और आप इस तरह से भी हलवा खा सकते हैं फ्रेंड्स। अब घी को भी हलवा में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मेरा हलवा बनकर रेडी है फ्रेंड्स। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हेलो, तो मैं एक प्लेट में सर्व कर चुकी हूँ फ्रेंड्स हलवा को, ये आटा का हलवा को। और फ्रेंड्स, इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम चॉकलेटी कलर आया है, क्योंकि ये शुद्ध गेहूं का आटा और गुड़ से बनाई हूँ फ्रेंड्स। तो आप चीनी से भी बना सकते हैं और फ्रेंड्स इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। और इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है फ्रेंड्स। तो आटे का हलवा बनकर तैयार है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय बाय, नमस्कार।